हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है बहुत ही स्पेशल डे बिकॉज आज है मेरा बर्थडे। बचपन से मेरे बर्थडे को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। सो यस, टुडे इज माय बर्थडे एंड स्पेशल ये है कि आज ये मेरे लिए चाय बना रहे हैं। हाय, हैप्पी बर्थडे टू मी। सो लेट्स सी, ये बहुत अच्छी चाय बनाते वैसे तो, मेरे से भी अच्छी। सो चलो लेट्स सी हाउ द डे गोज। एंड ये चाय बहुत ही अच्छी बनी है। कहते हैं कि अगर लाइफ में कोई अच्छा चाय बनाने वाला मिल जाए तो आप जीत गए लाइफ में, एंड आई हैव लिटरली वन इन माय लाइफ। सो थैंक यू फॉर द लवली टी। एंड आज प्लान ये है कि शायद डिनर पे जाएंगे। हाँ, डिनर पे जाएंगे, एक ड्राइव पे जाएंगे एंड देखते हैं हाउ द डे गोस। सो फिलहाल के लिए आई विल एंजॉय माय टी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, हैप्पी सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे केक। थैंक यू। Welcome. Where are you going, Naksh? Kya jaye che? Kids Connect. Kids Connect. Okay. एंड आज तो मीठा खाना ज़रूर बनता है। सो मैं जल्दी से निकल गई मिठाई लेने, और यहाँ पे मेरी फेवरेट रसमलाई भी मिल रही थी। सो मैंने रसमलाई एंड समोसे गर्मा गर्म हो रहे थे सो पैक करवा दिए सबके लिए। सो वी आर बैक एंड मैं अभी यहाँ पे वो जो ऐसे बलून्स आते हैं फॉइल बलून्स, उसका मैं मीन्स मैंने कुछ सोचा है, मुझे एक फोटोशूट करना है मेरे बर्थडे के लिए। आई होप जैसे मैंने सोचा है वैसा उसका आउटकम भी हो। सो वील डू दैट एंड इफ द पिक्चर्स टर्न आउट टू बी गुड मैं वो ज़रूर एट द एंड ऑफ द वीडियो भी डालूंगी। सो वील जस्ट गो विद दिस। चेंज किया है एंड छोटा मोटा ऐसे ही फोटोशूट किया है एंड पिक्चर्स थोड़े अच्छा है। ऑफकोर्स प्रोफेशनल नहीं आएंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स नहीं हैं, बट जैसे आए हैं अच्छे आए हैं, बस इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाए। सो अभी बस तो मम्मी ने बहुत ही यम्मी खाना बनाया है एंड मेरा फेवरेट रसमलाई मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बंगाली स्वीट्स। सो लंच करेंगे, अभी मेरा बेटा आएगा समर कैंप से, देन मस्ती करेंगे, लंच करेंगे एंड फिर हम जाएंगे अच्छे से डिनर के लिए। ओके, सो ही इज बैक फ्रॉम समर कैंप एंड बहुत ज़्यादा उसके एक्साइटमेंट लेवल्स है। देखिए एंड मेरे ही बर्थडे के दिन मुझे ही बलून्स फुलाने पड़ रहे, ब्लो करने पड़ रहे, बिकॉज ये छोटे बेबी को अभी बलून्स चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू मम्मा। हैप्पी बर्थडे टू मम्मा। गो टू रेस्टोरेंट मैंगो। गो टू रेस्टोरेंट। गो टू रेस्टोरेंट मैंगो रेस्टोरेंट। मैंगो रेस्टोरेंट। ओके, वी गो इन द इवनिंग। फिलहाल के लिए मैं ये बलून्स ब्लो कर लेती हूँ वरना ये मेरा सिर खा जाएगा। आज लंच में स्पेशल ये है कि मैंने यहाँ पे एक स्टार्टअप बिजनेस रिलेटेड टू सैलड्स और वो सब एक स्टार्ट हुआ है एंड आई एम अज्यूमिंग वो बहुत यम्मी और टेस्टी होगा। बस वो अभी थोड़ी देर में वो लोग डिलीवर करेंगे। सो आई हैव ऑर्डर्ड बुरीटो बोल एंड मुझे वो बहुत पसंद है। सो हाँ बोलो, क्या बोलना है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी पार्टी बर्थडे। नॉट मदर्स डे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। गो टू रेस्टोरेंट चंबानू नाचोस एंड रेस्टोरेंट मैंगो मैंगो फ्रूट एंड रेस्टोरेंट होटल एंड थैंक यू। वेलकम, एक्सक्यूज मी, वेलकम जय श्री कृष्णा। ओके ओके ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सो मैंने ऑर्डर किया था ये बुरीटो बोल एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आप खा के देखते हैं कैसा है। लंच बहुत ज़्यादा यमी था और इतना स्टमक फिलिंग था कि मस्त नींद आ गई मुझे। सो अभी हो रहा है इवनिंग, बज रहे हैं शाम के 5 एंड यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, इट्स वेरी वेरी हॉट। आज का टेम्परेचर 44 डिग्रीज था, मैंने लास्ट चेक किया था तभी। सो रू अफ्जा टू द रेस्क्यू। सो थोड़ी देर में बस मेरी फ्रेंड, मेरी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड मैंने यहाँ पे बनाई है शादी के बाद। सो वी विल गो आउट, हर डॉटर एंड शी, मैं, मेरा बेटा, हम जाएंगे कैफे में, ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे एंड देन विल कम बैक होम एंड गो फॉर डिनर एंड बस यही सब है। सो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। सो दिस इज द गिफ्ट जो मेरा बेटा आज मेरे लिए, मींस मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे बेटे की तरफ से। एंड नक्श आया, नहीं आया नक्श, तो पुलिस आपको इधर से पासपोर्ट जाने के लिए दिया कि इधर इसी के लिए। Eternity later. Wow, yeah. Thank you. It's beautiful. Thank you. Hi. Hi. Hi, babies. And as you can see, this cafe is so pretty and ये बहुत ज़्यादा aesthetic vibes दे रहा था। So यहाँ पर मैं आई हूँ मेरी friend के साथ, जो मेरे लिए एक प्यारा सा cake लेके आई है and हमने बहुत ही cute सा एक celebration भी किया, cake cut किया and we had a great time. मैं जल्दी से घर आई एंड वापस चली गई डिनर के लिए मेरे फैमिली के साथ एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट मील, बहुत अच्छा लगा। एंड घर जाते ही केक कटिंग करना था, विच वॉज द हाईलाइट ऑफ द डे एंड मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है।